नमस्ते गाइस, दिस इज सचिन यादव और आप देख रहे हैं द ऑफिशियल सचिन यादव चैनल। सो गाइस, हमारे फ्रंट फ्लिप सीरीज के तीसरे एपिसोड में आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्रंट वॉकओवर। सो गाइस, फ्रंट वॉकओवर को आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसकी क्या राइट टेक्निक है और उसकी क्या सेफ्टी मेजर्स है, वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। सो मेक श्योर गाइज, आप वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना करें। और जो लोग भी गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे, गाइज मेक श्योर वो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि जितने भी आपकी प्रोग्रेस होती है वो इंस्टाग्राम के थ्रू मैं देखता हूँ। और गाइज, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज है उन सबकी नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। सो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, फ्रंट वॉकओवर जो है वो जिमनास्टिक का बहुत ही बेसिक और फाउंडेशनल मूवमेंट है। फ्रंट वॉकओवर का यूज़ बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में करा जाता है, जैसे कि जिमनास्टिक्स, पार्कोर, ट्रिकिंग एंड डांस एंड एक्रोबैटिक्स, ऐसे बहुत सारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जहां पर फ्रंट वॉकओवर का यूज़ करा जाता है। गाइस, फ्रंट वॉकओवर इसीलिए सीखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी एडवांस स्किल्स होती है लाइक फ्रंट हैंडस्प्रिंग या वेबस्टर या फ्रंट एरियल, वहां पर फ्रंट वॉकओवर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि अगर आपका फ्रंट वॉकओवर अच्छा होगा, यानी आपने फ्रंट वॉकओवर को मास्टर कर रखा होगा, तो यहाँ से आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी और जितने भी एडवांस स्किल्स हैं उनको आप अच्छे से परफेक्ट तरीके से कर पाओगे। सो गाइज, अब हम लोग जानते हैं फ्रंट वॉकओवर को करने से पहले हमें किन प्री रिक्विजिट्स पे काम करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज, फ्रंट वॉकओवर में हमें अपने दो कॉम्पोनेंट पे सबसे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। जो यहाँ पे हमारा पहला कॉम्पोनेंट है वो है स्ट्रेंथ और दूसरा कॉम्पोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ में आपका हैंड स्टैंड अच्छा होना चाहिए, यानी आपके हाथों में प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर पाओ और एक फ्रंट वॉकओवर के टी पोज में जाकर एक लैंडिंग वाले फेज में जा पाओ। तो एक मिनिमम स्ट्रेंथ तो चाहिए जब आप फ्रंट वॉकओवर को सीख रहे हो। और दूसरा, आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और लेग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि आप लैंडिंग फेज में जाके फ्रंट वॉकओवर को एग्जीक्यूट कर पाओ। और यहाँ पे जो आपका दूसरा मेन कंपोनेंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना, आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आप फ्रंट वॉकओवर को सही तरीके से परफेक्ट तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो गाइज, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर ज़रूर वर्क कीजिए, अपनी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कीजिए और अपने स्प्लिट ओपन करिए, यानी अपने लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कीजिए ताकि आप फ्रंट वॉकओवर को सही तरीके से फॉलो कर पाए। इन सब के ट्यूटोरियल्स मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप स्प्लिट को सीख सकते हैं और आप अपने बैक बैंड को अच्छा कर सकते हैं और हैंड स्टैंड सीख सकते हैं ताकि आप इजीली फ्रंट वॉकओवर को सीख पाए। आइए गाइज, अब हम सीखते हैं फ्रंट वॉकओवर को, कि आप स्टेप बाय स्टेप फ्रंट वॉकओवर को कैसे सीख सकते हैं और उसको सेफ्टी के साथ कैसे लर्न कर सकते हैं। सो गाइज, अभी मैं आपको ड्रीम्स ऑफ इंडिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ, दीपा सिंह, जो कि आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि आप फ्रंट वॉकओवर को कैसे स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं और उसकी क्या क्या प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेज हैं। सो वेलकम दीपा। सो ये हमारी ड्रीम्स ऑफ इंडिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट है दीपा सिंह, जो कि आज आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं कि आप कैसे फ्रंट वॉकओवर को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन स्टेप्स को आपको कैसे फॉलो करना है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट वॉकओवर को करने के लिए आपको दो कंपोनेंट पे वर्क करना पड़ेगा, पहला जो है वो स्ट्रेंथ और दूसरा जो है फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ में आपका जो है हैंड स्टैंड अच्छा होना चाहिए, यानी आपके हाथों में आर्म्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट कर पाए, अपने बॉडी वेट को बैलेंस कर पाए फ्रंट वॉकओवर के लिए। सो अभी आपको दीपा हैंड स्टैंड टैप करके दिखाने वाले कि कैसे आपको हैंड स्टैंड टैप करना है और थोड़ा सा बैलेंस करना है ताकि आप फ्रंट वॉकओवर को इजीली लर्न कर सके। सो रेडी दीपा? ओके गो। किक, वेरी गुड, अगेन किक, टोस पॉइंट, यस, अगेन हैंड्स अप, टोस पॉइंट करिए, टोस पॉइंट एंड डाउन। सो गाइस, इस तरीके से आपको हैंड स्टैंड टैप की प्रैक्टिस करनी है 20 टाइम 30 टाइम, ताकि आपका थोड़ा बैलेंस बने। जैसा कि मैंने बैलेंस वाली वीडियो में भी बताया था हैंड स्टैंड की, और हैंड स्टैंड की वीडियो में भी बताया था कि आपको किस तरीके से हैंड स्टैंड करना है। ठीक है, ज़्यादा बैलेंस नहीं चाहिए, थोड़ा सा मिनिमम बैलेंस चाहिए ताकि आप अपनी बॉडी वेट को लिफ्ट कर पाएँ और फ्रंट वॉकओवर को सीख पाए। जब आपने हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर ली हो, हैंड स्टैंड टैप की प्रैक्टिस कर ली हो, तो उसके बाद आपको जो यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी में आपका स्टैंडिंग ब्रिज अच्छा होना चाहिए, यानी आपकी बैक की स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके आप फ्रंट वॉकओवर को
क्लीन तरीके से कर पाएंगे। तो अभी आपको दीपा स्टैंडिंग ब्रिज बन के दिखाएंगी कि कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप फ्रंट वॉक ओवर को स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो रेडी दीपा? ओके गो। सो इस तरीके से खड़े होना है, प्रॉपर हाथ ऊपर करना, थोड़े से फीट ओपन करके रखना ताकि आपका बैलेंस बने और अब यहाँ से ब्रिज बनना है। गो। ये सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इनकी बॉडी किस तरीके से एक ब्रिज वाली पोजीशन में मेंटेन हो रखी है, यानी इनके हाथों का और इनके पैरों का जो गैप है वो एक बैलेंस में बन रखा है, यानी कि बैलेंस डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से आपको प्रॉपर स्टैंडिंग बैक बेंड करना है ताकि आप इजीली फ्रंट वॉक ओवर को लर्न कर पाए डाउन। सो गाइस, हैंडस्टैंड हो गया आपका और जो स्टैंडिंग बैक बेंड है यानी स्टैंडिंग ब्रिज, ये ऐसे प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि फ्रंट वॉक ओवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इन ब्रिजेस को परफॉर्म नहीं करा, आपने हैंडस्टैंड को नहीं सीखा, तो आप परफेक्ट तरीके से फ्रंट वॉक ओवर को नहीं लर्न कर पाएंगे। तो इनको मास्टर करिए, इनको सीखिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप फ्रंट वॉक ओवर को परफेक्ट तरीके से सीखिए। आइए गाइस, जब हम सीखते हैं फ्रंट वॉक ओवर का पहला प्रोग्रेशन कि आप फ्रंट वॉक ओवर को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है वो है कि अब आपको हैंड स्टैंड टू ब्रिज करना है। हैंड स्टैंड टू ब्रिज में आपको वॉल से ट्राई करना है पहले, ठीक है? तो जब तक आपका हैंड स्टैंड टू ब्रिज क्लियर नहीं होगा ना, आप फ्रंट वॉक ओवर की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे और एक क्लियर तरीके से, परफेक्ट तरीके से उसे नहीं सीख पाएंगे। तो अभी दीपा आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाने वाली है कि कैसे आप हैंड स्टैंड टू ब्रिज करेंगे बॉल की सहायता से और परफेक्ट तरीके से उसको होल्ड करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको डिस्टेंस को मेजर करना है ताकि आप प्रॉपर हैंड स्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन को बना पाए। जब आप हैंड स्टैंड टू ब्रिज करें ना, तो वॉल से हाथों को ऐसे रखना बॉल पर, ठीक है, और अपने दोनों पैरों को पीछे की साइड रखना और ये बॉडी स्ट्रेट करके ऐसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करना, जिस तरीके से आप मेरे को देख सकते हो। बहुत सारे लोग हाथ बिल्कुल क्लोज रखते हैं जब वो वॉल के सहायता से करते हैं, तो हाथ क्लोज नहीं रखना है, वॉल से थोड़ा सा पीछे रखिए ताकि आप प्रॉपर हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन को मेंटेन कर पाए। अभी दीपा करके दिखाएंगे आपको। रेडी दीपा? ओके, पहले मेजर करिए डिस्टेंस। यस, अब जहां पर आपके पैर हैं वहां पर आपके हाथ आने चाहिए और जहां पर आपके हाथ हैं वहां पर आपके पैर आने चाहिए, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। स्टार्ट, थोड़ा पीछे से, वेरी गुड। देखिए गाइस, प्रॉपर डिस्टेंस बनाए इनकी बॉडी का। इस तरीके से आपको प्रॉपर हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन में जाना है, यानी अपने पैरों को नीचे रखना है। अब आपने जिस पैर से किक करी होगी उस पैर को नीचे रखना है। दीपा ने राइट लेग से किक करी थी, तो राइट लेग को इन्होंने नीचे रखा और जो इनका स्ट्रॉन्ग लेग है उसको ऊपर रखा। जो स्ट्रॉन्ग लेग है उसको ऐसे सीधा करके रखना है। ये इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको हैंडस्टैंड टू ब्रिज की, जिसमें आप हैंडस्टैंड किक करके आपका स्ट्रॉन्ग आपका जो किकिंग लेग है उसको नीचे रखना है, स्ट्रॉन्ग लेग को ऊपर की साइड होल्ड करके रखना है। इसकी प्रैक्टिस करना है ताकि आप फ्रंट वॉक ओवर वाली पोजीशन को मेंटेन कर पाए डाउन। अगेन अभी दीपा करके दिखाएंगे आपको। गो। And kick. Very good. Down. आराम से जाइए नीचे। ये देखिए किस तरीके से ये अपने लैग को स्विच करके नीचे रख रही हैं। अपना किकिंग लैग इन्होंने नीचे रखा, जिस तरीके से देखिए फ्लोर पर टच कर रखा है, और जो अपना स्ट्रॉन्ग लैग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रख रखा है वॉल की तरफ। तो हैंड स्टैंड टू ब्रिज वाली पोजिशन में इस पोजिशन को आपको मेंटेन करना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से फ्रंट वॉक ओवर को सीख पाए डाउन। जब आप इस प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के दौरान आपको फॉरवर्ड स्ट्रेच जरूर करना है। आप फॉरवर्ड स्ट्रेच करके दिखाइए डाउन। यस, सो गाइस इस तरीके से फॉरवर्ड स्ट्रेच स्पाइन फ्लेक्शन जरूर करना है ताकि आपके स्पाइन में ज्यादा प्रेशर ना आए जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और आप इंजरी से भी बच सको। तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली फॉरवर्ड स्ट्रेच करना है, खड़े हो जाइए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई चोट ना लगे और आप सही तरीके से इस प्रोग्रेशन को लर्न कर पाए। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा फ्रंट वॉक ओवर का दूसरा प्रोग्रेशन है वो यह है कि अब आपको हैंडस्टैंड टू ब्रिज को मेंटेन करते हुए अपने एक लेग को स्विच करके होल्ड करना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने हाई प्लेटफॉर्म बना रखा है ताकि दीपा हैंडस्टैंड टू ब्रिज करके एक लेग को स्विच करके होल्ड करे। तो ऐसा हाई प्लेटफॉर्म आपको बनाना है, थोड़ी सी हाइट रखना
ताकि आप हैंडस्टैंड टू ब्रिज को मेंटेन कर पाए। ठीक है, पहले आप हाइट से ट्राई करना, फिर धीरे धीरे हाइट को डिक्रीज करते जाना, यानी हाइट को कम करते जाना। तो अभी दीपा आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे कैसे हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन में एक लेग स्विच करके होल्ड करना है और उस पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। तो रेडी दीपा, चलिए किक करिए। यस, होल्ड। सो गाइस, दीपा ने क्या करा, किक करा अपने स्ट्रॉन्ग लेग से, पुश लिया और किकिंग लेग को नीचे रखा। इनका जो किकिंग लेग है वो नीचे है और इनका जो स्ट्रॉन्ग लेग है वो ऊपर है। स्ट्रॉन्ग लेग को बिल्कुल स्ट्रेट रखना और जो किकिंग लेग है उसको नीचे रख के एक हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करना। जब आप इस चीज को मेंटेन करोगे ना तो आपकी ये पोजीशन बन पाएगी डाउन। सो गाइस, इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप इसको मास्टर कर पाओगे। मुझे पता है शुरुआत में आपके पैर बैंड होंगे, आपकी पोजीशन मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और हैंडस्टैंड टू ब्रिज को मास्टर करिए, तब जाके इस स्विचिंग लेग को सीखिए। अब हम थोड़ा इसकी एक्सरसाइज करते हैं कि किक कैसे करनी है, हमें कैसे किक वाली पोजीशन को मेंटेन करना है। तो सबसे जो बेस्ट एक्सरसाइज है जो हमारी हैंडस्टैंड किक की है वो है किक बैक। आपको किक बैक की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके जो किक है ना वो अच्छी हो पाए और आप इस हैंडस्टैंड टू ब्रिज को मेंटेन कर पाए। तो अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो यह है कि आपको किक बैक करनी है ताकि आपकी जो हैंडस्टैंड किक है वो अच्छी हो पाए। रेडी दीपा, करके दिखाइए किक बैक। अपने हाथों को डाउन रखना नीचे और आपका स्ट्रॉन्ग लेग आगे होना चाहिए और जो किकिंग लेग है वो पीछे होना चाहिए। अब किक करिए, 1 लेग स्ट्रेट, 2 स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8 डाउन। जितने आप इस किकबैक की प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी किकबैक अच्छी हो पाएगी और आप हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन को मेंटेन कर पाओगे। आइए गाइस, जब हम सीखते हैं फ्रंट वॉकओवर की तीसरी प्रोग्रेशन एक्सरसाइज। जब आपने फ्रंट वॉकओवर को वॉल से ट्राई कर लिया हो, वॉल से मास्टर कर लिया हो और फ्लैट लेवल से सीख लिया हो, यानी उसकी प्रैक्टिस कर लियो, अब आपको क्या करना है, हैंडस्टैंड टू ब्रिज में जाकर खड़े होने की कोशिश करना है। पहले आपको दोनों फीट पर खड़े होने की कोशिश करना है, यानी अपने दोनों पैरों पर स्टैंड करने की कोशिश करना है, फिर जाके आप इसको एक लेग से यानी स्विचिंग लेग से खड़े होने की कोशिश करना ताकि आप फ्रंट वॉकओवर को परफेक्ट तरीके से कर पाए। सो अभी आपको दीपा डेमोस्ट्रेट करके दिखाने वाले हैं कि कैसे आपको हाई प्लेटफॉर्म से लो प्लेटफॉर्म पर जाना है और हैंडस्टैंड टू ब्रिज को मेंटेन करना है। किसी हाइट से पहले आप ट्राई करना ताकि आप इसको इजीली लर्न कर पाए, फिर धीरे धीरे हाइट को डिक्रीज करते जाना। ठीक है दीपा, चलिए। सो अब फ्रंट वॉकओवर को करने के लिए यानी हैंडस्टैंड टू ब्रिज को करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और आपका जो स्ट्रॉन्ग लेग है स्ट्रॉन्ग लेग को आगे रखना है और जो किकिंग लेग है उसको पीछे रखना। अब यहां से दीपा हैंडस्टैंड टू ब्रिज बनेगी और पहले खड़े होकर दिखाएगी आपको कि कैसे स्टैंड करना है दोनों फीट पर। रेडी दीपा, गो गो। वेरी गुड। सो गाइस, इस हैंडस्टैंड टू ब्रिज को आपको प्रैक्टिस करना है जिस तरीके से अभी आपने दीपा को देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप इस हैंडस्टैंड टू ब्रिज को कर रहे हो। सो गाइस, जब आप हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन में आ रहे हो ना तो अपने नीज को आगे की तरफ स्ट्रेच आउट करने की कोशिश करना जैसा अभी दीपा करेगी। दीपा एक बार ब्रिज वाली पोजीशन में आइए, ब्रिज वाली पोजीशन को मेंटेन करिए। यस, सो जब आप हैंडस्टैंड टू ब्रिज वाली पोजीशन में आ गए हो ना इस तरीके से, तो अपने जो दोनों नीज है नीज को आगे की तरफ प्रेशर देना, फोर्स देना ताकि आप खड़े हो पाए और दोनों हाथों को पुश करना है, फ्लोर से पुश करने की कोशिश करना है ताकि आप आगे खड़े हो पाए। ठीक है, जैसे कि अभी स्ट्रेच करिए आगे, 1 2 3 पे हाथ ऊपर। वेरी गुड। सो गाइस, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी अपने नीज को आगे की तरफ फोर्स देना और अपने हाथों को धक्का मारने की कोशिश करना ताकि आप खड़े हो पाए यानी स्टैंड कर पाए। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, पहले आप ब्रिज बन के खड़े होने की प्रैक्टिस करना, फिर इसको हैंडस्टैंड टू डी में ट्राई करना। सो गाइस, फ्रंट वॉकओवर की हमारी जो फोर्थ प्रोग्रेशन है वो यह है कि अब आपको फ्रंट वॉकओवर को रोलर से ट्राई करने की कोशिश करनी है। आप रोलर जैसा कुछ ऐसा इक्विपमेंट बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, यानी रजाई का कुछ भी, गद्दे का, ऐसे रोल करके इस तरीके से रोलर वाला इक्विपमेंट बना सकते हैं ताकि आप फ्रंट वॉकओवर को लर्न कर पाए। अब आपको क्या करना है, हैंडस्टैंड वाली किक करनी है और एक लेग को स्विच करके रखना है, खोल कर रखना है एक एक पैर को, ताकि आप हैंडस्टैंड टू डी वाली पोजीशन को मेंटेन करते हुए एक एक लेग को स्विच करके खड़े हो पाए। अभी आपको दीपा इस रोलर से करके दिखाने वाली है कैसे इस फ्रंट वॉकओवर को ट्राई करना है और आपको खुद से सीखना है। रेडी दीपा, चलिए।
हाथ सीधे रखना है स्ट्रेट एंड किक. वेरी गुड. अगेन जब आप इस रोलर से फ्रंट वॉकओवर को कर रहे हो तो अपने स्ट्रॉन्ग लेग से पुश लेना अच्छी तरीके से फोर्स लेना और अपने हाथों से फोर्स लेना तब ताकि आप आगे खड़े हो पाए. तो अभी आपको दीपा करके दिखाने वाली है कैसे फोर्स लेना है और कैसे एक एक लेग को स्विच करके खड़े होना है. रेडी दीपा? चलिए किक किक एक एक पैर लाइए. यस. सो गाइस आपको जो लैंडिंग वाली पोजिशन है, एक बार लैंडिंग वाली पोजिशन में आइए, हाथ ऊपर एक पैर आगे. तो इस वाली पोजीशन को आपको मेंटेन करके रखना है जब आप इस फ्रंट वॉकओवर को कंप्लीट करें. यानी आपके हाथ सीधे होने चाहिए, आपके हाथ जो है वो फ्लोर से टच होके आए, यानी रोलर से टच होकर आए और आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपका जो स्ट्रांग लेग है वो आगे हो जाए. ठीक है, स्ट्रांग लेग को आगे रखना और जो आपका किकिंग लेग है वो नीचे चले जाए और ये वाली पोजिशन मेंटेन होनी चाहिए. जब आप इस पोजिशन को करेंगे ना तो आप कंप्लीट फ्रंट वॉकओवर को लर्न कर पाएंगे. डाउन. सो गाइस इस प्रोग्रेशन की आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आप फ्रंट वॉकओवर को मास्टर कर पाएंगे. ये हम रोलर से एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा माइंड मसल कनेक्शन है ना वो डेवलप हो जाए और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रंट वॉकओवर की कि कैसे हमारा मूवमेंट जाएगा आगे की तरफ उसको हम मास्टर कर पाए. सो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना आप इजीली सेफ्टी के साथ इसको लर्न कर पाएंगे. सो गाइज आपने सारी प्रोग्रेशन स्किल्स को लर्न कर लिया हो, यानी फर्स्ट प्रोग्रेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. आपने बॉल से भी सीख लिया हो और स्टैंडिंग ब्रिज को मास्टर कर लिया हो, आपने रोलर से भी उसको सीख लिया हो, उसकी प्रैक्टिस कर ली हो. अब जाके आपको किसी सपोर्टर की हेल्प लेनी है और फिर फ्रंट वॉकओवर को एक हाई लेवल से लो लेवल पर ट्राई करना है. ठीक है, तो अभी दीपा आपको करके दिखाएंगे कैसे फ्रंट वॉकओवर करना है, सपोर्ट से करके दिखाएंगे, फिर ये फ्लैट लेवल से करके दिखाएंगे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है. रेडी दीपा? चलिए हैंड्स अप करना है, इस तरीके से हाथ सीधे रखना है. तो गाइस जब आप फ्रंट वॉकओवर को ट्राई कर रहे हो तो अपने स्ट्रॉन्ग लेग से पुश लेना और जो आपका रियर लेग है उससे किक करना और अपने हैंड को स्ट्रेट करके फ्रंट वॉकओवर को ट्राई करने का कोशिश करना. अभी दीपा करके दिखाएंगे, स्लो 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 करना, एक बार होल्ड करने की कोशिश करना, स्लो. यस. सो अपने पैर को इस तरीके से खोलना, एक टी वाली पोजिशन मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है, और अब यहाँ से फ्रंट वॉकओवर करना है और स्ट्रॉन्ग लेग को ऊपर ही रखना है और जो रियर लेग है उसको नीचे रखने की कोशिश करना है. डाउन एंड आउट, ये. ठीक है, तो इस पोजीशन को प्रॉपर मेंटेन करना है, आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है वो आगे आएगा और जो किकिंग लेग है वो नीचे रहेगा. ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करना सपोर्ट के साथ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करें. देखिए सपोर्ट कैसे करना है, जब आपका कोई सपोर्टर हो ना वो प्रॉपर तरीके से आपके बैक पे हाथ रखे इस तरीके से और आपके शोल्डर पे हाथ रखे, आपको सपोर्ट दे ताकि आप खड़े हो पाए. ठीक है, तो फिर से आप इसको देखिए कैसे करना है, इसकी आप सपोर्ट से प्रैक्टिस करिए फिर जाके इसको खुद ट्राई करना. चलिए आगे स्ट्रेट किक करो, प्रॉपर स्ट्रेच करो चेस्ट एंड अप. सो गाइस इसकी आपको सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करनी है, अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे खींचने की कोशिश करना, बैक से सपोर्ट लेना आगे खड़े हो पाए, अपने चेस्ट को थोड़ा सा आउट करने की कोशिश करना ताकि आप स्टैंड कर पाओ. सो गाइस इसकी सपोर्ट से प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसको मास्टर कर पाओगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको फ्रंट वॉकओवर की इस प्रोग्रेशन को करना है, यानी आपको फ्रंट वॉकओवर को इंक्लाइन सरफेस से आप ट्राई करना है ताकि आप खुद सेल्फ फ्रंट वॉकओवर को लर्न कर पाए. सो गाइस अब आपको कैसे करना है, आपको खड़े होना है इस इंक्लाइन सरफेस से और स्लोली किक करके खुद खड़े होने की कोशिश करना है. गो, वेरी गुड. अगेन स्लो करना है, बिल्कुल स्लो आपको इस फ्रंट वॉकओवर को करना है ताकि आप खड़े हो पाए. अगेन स्ट्रेच करिए एक पैर, स्लो स्लो, वेरी गुड. सो गाइस अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे खींचने की कोशिश करना और जो आपका जो रियल लेग है यानी किकिंग लेग है उसको नीचे रखना, हैंड को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है जब आप खड़े हो पाए. सो गाइस इसकी आप प्रैक्टिस करिए. डाउन. सो गाइस इसकी आप प्रैक्टिस करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंक्लाइन सरफेस से उतना आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो आगे जा पाएगी, मोमेंटम में खुद ब खुद आप इस फ्रंट वॉकओवर को कर पाएंगे. अगर आपसे इंक्लाइन सरफेस पे नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा 2 या 3 मैट लगाकर या थोड़ी सी हाइट से फ्रंट वॉकओवर को करने की कोशिश करना ताकि आप खड़े हो पाओ. अभी दीपा आपको फिर से यहाँ से करके दिखाएंगी हाइट से कि कैसे ये खड़े होंगी. रेडी दीपा? चलिए हाथ यहाँ पर रखना, पीछे यहाँ पर हाथ रखना, पीछे से करो, पीछे करो और पीछे से. रेडी दीपा? गो.
अप वेरी गुड अगेन स्लो स्लो हैंड्स अप एंड किक स्लो वेरी गुड। सो गाइस इस तरीके से आपको फ्रंट वॉक ओवर की प्रैक्टिस करनी है। पहले आप इंक्लाइन से कर लो, अगर आपसे इंक्लाइन से भी नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ी हाइट से इसको ट्राई करने की कोशिश करना। जब आप थोड़ा हाइट से अकेले ट्राई करने की कोशिश करेंगे और एक पैर को आगे खींचने की कोशिश करेंगे ना तो आप खड़े हो पाओगे डाउन। अब मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज बताता हूँ जिसमें आप खुद अपने पैर को आगे खींच पाएं और खड़े हो पाएं। तो इसकी एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे आना या किसी दीवार से भी इस प्रोग्रेशन को आप कर सकते हो। अब ब्रिज वाली पोजीशन बनानी है, यानी ब्रिज बनना है, एक पैर को उठाना है और आगे खींचने की कोशिश करना है। एक बार ब्रिज बनाइए, ब्रिज बनाओ स्लो स्लो, यस एक पैर उठाओ, यस ये वाला जो आपका स्ट्रॉन्ग लेग है उसको उठाना है और हाथ हाथ से पुश लेना आगे की साइड और आगे खींचना, खींचिए आगे, वेरी गुड हैंड्स अप अगेन। अब इसको खुद से ट्राई करिए स्लो, पैर खोलिए, एक पैर ऊपर रखिए एंड किक, वेरी गुड अगेन लास्ट, हाथ रखिए, एक पैर ऊपर एंड खींचिए, यस गाइस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी आप वॉल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस किक की, ताकि आप खड़े हो पाएं, फिर जाकर आप फ्रंट वॉक ओवर को ट्राई करना। पहले इंक्लाइन से करना, फिर जाके आप थोड़ा हाइट से ट्राई करने की कोशिश करना, ताकि आप फ्रंट वॉक ओवर को इजीली लर्न कर पाएं। सो गाइस जब आपने सारी प्रोग्रेशन को लर्न कर लिया हो, यानी आपने इंक्लाइन से, सपोर्ट से, वॉल से सब चीज़ ट्राई कर लिया हो, सब चीज़ को मास्टर कर लिया हो, अब आपको फ्लैट लेवल से फ्रंट वॉक ओवर को करने की कोशिश करना है। इस तरीके से खड़े होना जिस तरीके से अभी दीपक खड़ी है, अपने हैंड को स्ट्रेट रखना है और आपका स्ट्रॉन्ग लेग आगे होना चाहिए, किकिंग लेग पीछे, और अब आपको यहाँ से फ्रंट वॉक ओवर लर्न करना है। रेडी दीपा, चलिए गो स्ट्रेट, वेरी गुड अगेन गो लेग स्ट्रेट, वेरी गुड मेंटेन करिए। सो गाइस जब आप अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे खींचोगे ना और इस तरीके से खड़े होगे ना तो आप फ्रंट वॉक ओवर को क्लियरली लर्न कर पाओगे। अपने स्ट्रॉन्ग लेग को आगे खींचना बैक के सपोर्ट से और हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट करके लाना, कान के पास से लेकर आना और टोस को पॉइंट रखना है, ताकि आप क्लियर तरीके से फ्रंट वॉक ओवर को लर्न कर पाए डाउन। सो गाइस इन सारी प्रोग्रेशन की आप प्रैक्टिस करिए, इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करिए, सीखिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इसको लर्न कर पाओगे। थोड़ा सा ये मुश्किल मूवमेंट है, लेकिन नामुमकिन नहीं है आप सबके लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख लोगे। अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करिए, यानी अपने हैंड स्टैंड पे वर्क करिए, अपने बैक बैंड पे वर्क करिए, और जितनी मैंने प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस बताई है उनको सीखिए और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखने की कोशिश करिए। ऑलराइट गाइस, ये तो थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रंट वॉक ओवर, कि आप फ्रंट वॉक ओवर को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं और कैसे उसे इजीली सीख सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्रंट वॉक ओवर में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा पहला सेफ्टी मेजर्स है वो है वार्म अप। गाइस आपको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना है अपनी बॉडी का, यानी फुल बॉडी वार्म अप करिए, लाइक अपने नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट और लेग्स का, बैक का प्रॉपर तरीके से वार्म अप करना, ताकि आप इजीली फ्रंट वॉक ओवर को लर्न कर पाएं और सेफ्टी के साथ उसको सीख पाएं। यहाँ पर जो हमारा दूसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि जब भी आप फ्रंट वॉक ओवर को सीख रहे हो तो मैट्स का यूज़ करिए या किसी ग्रासी जगह का यूज़ करिए, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे और आप सेफ्टी के साथ फ्रंट वॉक ओवर को सीख सकें। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा तीसरा सेफ्टी मेजर्स है वो यह है कि जब भी आप फ्रंट वॉक ओवर को सीख रहे हो तो आप किसी सपोर्टर की हेल्प लें। अगर आप अपने किसी सपोर्टर की हेल्प लेंगे तो आप इजीली फ्रंट वॉक ओवर को सीख पाएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई चोट नहीं लगेगी और आप परफेक्ट तरीके से उसको फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पर जो हमारा फोर्थ प्रोग्रेशन है वो यह है कि गाइस जितनी भी मैंने प्रोग्रेशन एक्सरसाइजेस बताई है उनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और सही तरीके से उनको सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी प्रोग्रेशन स्किप मत करना, अगर आप स्किप करोगे तो चोट भी लग सकती है आपको और आप परफेक्ट तरीके से उसको नहीं सीख पाओगे। तो सारी प्रोग्रेशन को सही तरीके से फॉलो करना और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ प्रोग्रेशन है वो यह है कि गाइज आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करिए, लाइक अपने शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी को, बैक को, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करिए, ताकि आप इजीली फ्रंट वॉक ओवर को सीख पाए और किसी भी चोट का आपको खतरा ना रहे। ये तो थी हमारी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रंट वॉक ओवर, कि आप उसको कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं और उसकी क्या सेफ्टी मेजर्स है। सो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और गाइज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा पूरा इंडिया फ्रंट फ्लिप सीरीज को
सीख सके और अच्छे से उसको फॉलो कर सके। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड बाय।